हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स ट्रेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आया है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड, और जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर इसकी वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा नोटिफिकेशन आया है, ये आया है इकामरा कॉलेज भुवनेश्वर से। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इकामरा कॉलेज भुवनेश्वर से जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, और ये जो नोटिफिकेशन है वो 11 अगस्त को रिलीज किया गया था। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन 11 अगस्त को रिलीज किया गया था। तो अगर हम इस नोटिफिकेशन के बारे में देखें तो यहाँ पे देखिए वॉक इन इंटरव्यू है। तो यहाँ पे अगर जो है आप गेस्ट फैकल्टीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए गेस्ट फैकल्टीज मल्टीपल डिसिप्लिन्स में यहाँ पे मेंशन कर रखा है, चाहे वो आपका कॉमर्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, सोशोलॉजी, एजुकेशन, इंग्लिश, हिस्ट्री और संस्कृत, तो इतने सब्जेक्ट यहाँ मेंशन कर रखे हैं। तो अगर आपका पीजी इन सब्जेक्ट में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको बस इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैविंग मिनिमम 55% मार्क्स और अबव इन पीजी लेवल में अपेयर फॉर वॉक इन इंटरव्यू। तो यहाँ पर देखिए वॉक इन इंटरव्यू है, तो आपको डायरेक्टली क्या है, 30th और 31st अगस्त और 1st सितंबर 2021 को आपको जो है अपने बायोडाटा के साथ अलॉन्ग विद योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको जो है विजिट करना है इकामरा कॉलेज भुवनेश्वर में। ठीक है, तो आपको इस कॉलेज में विजिट करना है, और यहाँ पर आप डायरेक्टली जो है आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। तो अगर आपका यहाँ पे डायरेक्टली इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद जो है वो लिस्ट को जो है वो वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जो है इन्फॉर्म किया जाएगा बाय यूजिंग योर मेल, और आपको यहाँ पे कॉलेज की वेबसाइट पे भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और आप जो है टीचिंग में आपको इंटरेस्ट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जैसा कि मैंने आपको दिखा देता हूँ, तो अगर आप जो है कोई भी CSI से रिलेटेड भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या नीट से रिलेटेड, या हम बोल सकते हैं कि आप जो है गेट या कोई भी MSc एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अगर आप जो है कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उसके लिए भी मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट एक बार कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ये जॉब नोटिफिकेशन के अलावा जो आपके बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी कंटेंट, वो भी यहाँ पे मैं रेगुलरली जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मैंने इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो यहाँ पे जो है मेंशन कर रखे हैं। तो अगर आप इन किसी भी बायोलॉजी से रिलेटेड अगर आप जो किसी भी बायोलॉजी से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो नेट हो, चाहे गेट हो, चाहे DBT, ICMR, JRRF, या आप किसी MSc इंट्रेंस का भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप तब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जो है इस टाइप की बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनका भी आपको यहाँ पे अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। नेक्स्ट नोटिफिकेशन ये आया है हम देख इंडियन एकेडमी से। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम साइंस, नॉन साइंस और साइंस बैकग्राउंड वाले सब्जेक्ट को यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स में जो है तीनों पोजीशन को निकाला गया है। तो अगर आप प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ PhD होना चाहिए विद 8 to 15 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस रिसर्च एंड टीचिंग, आपका PGUG में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, और आपको यहाँ पे 4 to 8 ईयर्स का PG या UG का आपका जो एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। ठीक है, इसके अलावा आपने अगर कोई PhD आप कर रहे हैं या आप कंप्लीट कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन अकेडमिक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वहाँ पर लेक्चर पार्ट टाइम जॉब रहेगी केमिस्ट्री फ्रेंच में। तो इसके लिए MSc BEd 5 to 6 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टीचिंग एट द PU लेवल। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका सेट कोचिंग CET कोचिंग एक्सपीरियंस मैंडेटरी यहाँ पे है तो ये जो है आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो इंडियन एकेडमी कॉलेज में नर्सिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे MSc नर्सिंग में होना चाहिए, और स्पेशलाइजेशन आपका कम्युनिटी हेल्थ या OBG या साइकेट्री में होना चाहिए आप विद 1 to 4 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन टीचिंग। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप अपना जो रेज्यूम है वो सेंड कर सकते हैं careers@indianacademy.edu.in पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए SC ST अगर OBC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको वेटेज दिया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट इससे रिलेटेड तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर मेंशन कर रखा है तो आप इस पे जो जाके अपनी क्वेरी ले सकते हैं। अब बात करें नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो कि आया तुलसी राम जी गायकवाड़ पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नागपुर से। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने
जो है एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो देखिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज को निकाला गया है, यहाँ पे डिसिप्लिन मेंशन कर रखे हैं कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एसोसिएट प्रोफेसर एक वैकेंसी है, बी एरोनॉटिकल इंजीनियर एसोसिएट प्रोफेसर वन वैकेंसी है, एम टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वन वैकेंसी, और ये सारी जो जनरल है वैकेंसी। तो मैं पे ग्रेड आपको जो दिया जाएगा वो एच पर UGC AICTE और स्टेट गवर्नमेंट रूल्स अकॉर्डिंग मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बी बी टेक एम ई एम टेक होना चाहिए 11 सब्जेक्ट में विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड। एसोसिएट के लिए आपका बी बी टेक एम ई एम टेक होना चाहिए। इसके अलावा आपके जो है मिनिमम 6 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए और आपका PhD भी यहाँ पे आपका होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो, आप अपना एक प्लेन पेपर, अपना परफॉर्मा और लाइक अपना CV और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब आपको सेंड कर देना है। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगी वो रहेगी आपकी 300 रुपीज़। तो आपको 300 रुपीज़ जो है वो पे करना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो कि आया है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। तो देखिए ये जो है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ से जो है नोटिफिकेशन को निकाला गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर द गेस्ट फैकल्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ पे देखिए आपका जो भी लाइक वैकेंसी रहेगी वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी, ठीक है, इन अ यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो है पूरा यहाँ पे डिटेल में दे रखा है कि आपका पोस्ट क्या है और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके क्या है, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, आपके क्रेडिट्स क्या है और आपको यहाँ पे कंसोलिडेटेड पेमेंट कितना दिया जाएगा, और जो डेट ऑफ इंटरव्यू है और टाइम है वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो मैं आपको बता दी गेस्ट फैकल्टी की पोजीशन है जो कि ये जो है लाइक टेम्परेरी पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका MSc बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, या बायोस्टेटिक्स थ्योरी, बायोस्टेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन लैब प्रैक्टिकल में, और यहाँ पे इन्होंने क्रेडिट्स मेंशन कर रखे हैं। और जो यहाँ पे आपको पेमेंट भी यहाँ पे देखिए आपको दिया जाएगा वो आई थिंक मे बी UGC के गाइडलाइंस अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो कंसोलिडेटेड पेमेंट रहेगा कंसीडिंग द एक्सपीरियंस एंड स्टेटस ऑफ द पर्सन टू अपॉइंटेड। तो यहाँ पे आपका स्टेटस देखा जाएगा और आपका जो एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे ही आपको यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड पेमेंट है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू टाइम 6 सितंबर 2021 11 AM to 2 PM। ऐसे यहाँ पे जो अदर स्पेशलाइजेशन है अपन MSc नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में है, तब आपका जो डेट ऑफ इंटरव्यू वो 7 है, ठीक है, 7 सितंबर 2021 11 AM to 2 PM। बात करें एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास होना चाहिए आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में, ठीक है, और अगर आपका यहाँ पे MTech MBA डॉक्टर डिग्री है तो आप यहाँ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर द कैंडिडेट नॉट हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ MTech MBA डॉक्टर डिग्री इज अ मस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ गेस्ट फैकल्टी, ठीक है। तो ये सब आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा वॉक इन इंटरव्यू फॉर द अबव गेस्ट फैकल्टी विल बी हेल्ड इन डीन्स ऑफिस। तो यहाँ पे इन्होंने वेन्यू भी मेंशन कर रखा है कि आपका जो वॉक इन इंटरव्यू डीन ऑफिस में होगा, और यहाँ पे जो डेट मेंशन है वो 6 और 7 सितंबर मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर करिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।